हाय फ्रेंड्स, द जब्स जंक्शन परिवार में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक को शुरू करेंगे, यानी कि आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो खनिज संसाधन है इसका एक वीडियो हमने पहले कर चुका है ना। तो आज के वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं, जो कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं बहुत, लेकिन सब्सक्राइब कोई ना करता है। भाई ये वो सब्सक्राइबर कर दो, ये तुम्हारे एक सब्सक्राइब से हमें कितना मोटिवेशन मिलता है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमने जाना था पिछले वीडियो में खनिज संसाधन कहते किसको है, उसमें हमने खनन, खान, उत्खनन, इन सभी चीजों पे जो है विधिवत तरीके से चर्चा किया था। तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। आइए एक हम लोग ब्रीफ रिव्यू पिछले वीडियो को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था खनिज, ठीक है, खनिज को जो है हमने तीन भागों में बांटा था। कौन कौन सा? तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा खनिज या ईंधन खनिज, ठीक है। तो कितने भागों में बांटा? तीन भागों में, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद हमने धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा था, एक बांटा था लौह धात्विक, दूसरा बांटा था अलौह धात्विक। उसके बाद लौह धात्विक किसे कहते हैं, अलौह धात्विक किसे कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में जो है हमने बहुत विधिवत तरीके से पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका है, ठीक है। तो उसको आप लोग एक बार जरूर देखिए। उसके बाद हमने बात किया था खनिजों का वितरण, यानी कि जो भारत है, हमारा प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत में खनिजों का जो वितरण यानी खनिजों का भंडार जो है कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ से हमें खनिज मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमने इसको पांच पेटी बांटा। तो आइए उसको हम लोग मैप पे देखते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि यह जो चैप्टर है यह काफी जटिल चैप्टर है, यानी कि बहुत ही लेंदी टाइप से है ना। तो इसको याद रखना बहुत ही इम्पॉसिबल है, याद रखोगे भूल जाओगे। कोई प्यार तो है नहीं इससे आपको, है ना। प्यार रहता है तब ना वो ज्यादा दिन तक चलता है, वो भी आजकल हो गया 24 घंटा का। तो इसलिए जो है इसको हम लोग मैप के सहारे समझेंगे, यानी कि खनिज के वितरण को या कौन कौन से खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं, इन सबको हम लोग मैप के सहारे ही देखेंगे। यह जो है हमारा बहुत ही प्यारा चित्रकारी का नमूना आपके सामने पेश है, जो कि समझने के लिए आपके काफी लाभदायक होगा। तो यह जो है हमारा क्या है, प्यारा भारत है, और इस भारत में जो ये वाला जो क्षेत्र है जो ब्लैक से डॉट डॉट किया हुआ है, यानी कि इसको हम फिर से करते हैं इस तरह से, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, यही आपका मेन खनिज का भंडारण वाला क्षेत्र है। अब इसका मतलब ये थोड़े है कि ऊपर वाला जो क्षेत्र बच गया, इधर जो यूपी बिहार वाला जो क्षेत्र बच गया, इधर पूर्वी भारत का क्षेत्र बच गया, तो इधर खनिज नहीं है, है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो एक भंडार का एक जो मतलब गढ़ कहा जाता है, वह गढ़ जो है कौन सा एरिया है, ये वाला जो एरिया एक ट्रायंगल की तरह जो बना है, यही एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया में जो है हमने इस एरिया को जो है कितने भागों में बांटा है, पांच भागों में बांटा है, यानी कि पांच पेटी में बांटा है ना। तो वह पांच पेटी कौन कौन सा था? तो पहला जो था, इसका चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी किया है, पहला था उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी या छोटा नागपुर पेटी, यानी कि एक गो के दूगो नाम, आपका भी दूगो नाम होगा, है ना। उसी तरह से उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी और छोटा नागपुर पठार, इसी को कहते हैं। अब जो है हम अगर इसके क्षेत्र की बात करेंगे कि जो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी है या किन किन राज्यों में स्थित है, तो ये वाला जो एरिया आपका एक नंबर दे करके घेरा गया है, यानी कि ये वाला जो एरिया होगा या कौन सा एरिया होगा, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, है ना। तो कौन कौन सा हो जाएगा, कितने राज्य, 1, 2, 3, 4, यानी कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग। यह तो हो गया पहला। अब इसकी विशेषता क्या है, आपकी क्या विशेषता है भाई, तो आपको पढ़ाई के अलावा हर चीज में मन लगता है ना। इसी तरह से इसकी भी कुछ विशेषता है कि जो भारत की पांच पेटियां है, इसमें सबसे संपन्न पेटी यही है। कौन? तो छोटा नागपुर पेटी,
सबसे संपन्न पेटी कौन सी हो जाएगी, तो छोटा नागपुर प्रायद्वीप, छोटा नागपुर पेटी या उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, ठीक है। उसके बाद भारत का हृदय स्थल, खनिज हृदय स्थल। अब हृदय स्थल यानी कि जो खनिज है उसका हृदय स्थल कहा जाता है। हृदय स्थल ही ना है कि वहां पे धड़क रहा है, वो धड़कने वाला नहीं है, बस एक माना जाता है कि जहां से पूरा एकदम गढ़ है, इसके बिना मतलब इम्पॉसिबल है भारत में मतलब खनिज का उतना ज्यादा उत्पादन या निर्यात या आयात जो भी होता है उन सब चीजों का जो है बहुत ही मुश्किल है, या उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पे खनिज पाया जाता है, इसलिए जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भारत का हृदय स्थल, खनिज हृदय स्थल कहते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर पेटी को, क्लियर है। उसके बाद इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लौह इस्पात पेटी। कौन सा है? लौह इस्पात पेटी, ठीक है। और चौथा जो है इसका, भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश, ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य पेटी का। तो मध्य पेटी जो है, या आपका मध्य मतलब मिडिल हो गया है ना, ये वाला जो क्षेत्र आपका दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र क्या आता है? तो मध्य पेटी में आता है। तो मध्य पेटी में जो है कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं, यानी कि मध्य पेटी जो है किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो वह हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पूर्वी भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेगा कि भाई मध्य पेटिया में छत्तीसगढ़ आ रहा है, अब छोटा नागपुर पेटिया में छत्तीसगढ़ आ रहा है, ये कैसे? तो आप अकेले आदमी रहते हैं और आपके गांव में जो है शादी विवाह का भोज वगैरह रहता है, तो एक आदमी या दू जगह जाके भोज खाता है कि नहीं खाता है? यहाँ भी गया मार लिया, वहां भी गया मार लिया, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश, तो यह वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? खनिज का मध्य पेटी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वह है दक्षिण पेटी। दक्षिण पेटी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मैप क्या बनना चाहिए, तो जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है यानी कि इस टाइप का जो ई वाला क्षेत्र है, अब इसी क्षेत्र का आएगा। अभी ना कि कह रहा है दक्षिण पेटी, ऑप्शन दिया है लद्दाख, अब मार दिया लद्दाख ले, तो चल जाएगा एकदम लद्दाख का आपका वहां पे दाह संस्कार सब निकाल देगा। तो दक्षिण पेटी कौन कौन हो जाएगा? तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है। ये जो तीसरा वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये वाला जो क्षेत्र बन रहा है जो तीन नंबर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक वाला क्षेत्र। उसके बाद चौथा जो है दक्षिण पश्चिम पेटी, गोवा कर्नाटक, यानी कि यहाँ पे जो ई वाला जो क्षेत्र है, गोवा तो सटा हुआ है इधर पश्चिम तरफ और उसी के नीचे कर्नाटक आता है, तो ई वाला जो क्षेत्र आएगा वह कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम पेटी का, कि दक्षिण के तरफ भी है और पश्चिम के तरफ भी है, इसीलिए इसका हो गया दक्षिण पश्चिम पेटी, गोवा और कर्नाटक। और पांचवा जो है क्या होगा? तो उत्तर पश्चिम पेटी, पांचवा कौन हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, यानी कि अब हम दिमाग से ही सोचेंगे कि उत्तर तो ऊपर की तरफ जाता है, अब पश्चिम यानी कि उस साइड, यानी कि ये वाला जो एरिया आता है, यह वाला एरिया, तो यह क्या हो जाएगा? पांचवा बेल्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो इस पांचवे बेल्ट में कौन कौन राज्य आ जाएगा? तो आपका गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा और अरावली पर्वत श्रेणी आ जाएगा। कौन आ जाएगा भाई? राजस्थान, गुजरात और अरावली श्रेणी, ठीक है। तो ये तो पांच बेल्ट हो गए। इन पांच बेल्टों के बाद भी और भी खनिज के कुछ सोर्सेस हैं, कुछ स्थान है जहां से हमें खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं, तो वह कौन कौन सा स्रोत है? तो उसके लिए जो है पहला आता है हिमालय। कौन आएगा भाई? हिमालय। दूसरा जो है समुद्र। समुद्र में आपको पता है कि 200 किलोमीटर तक जो है जिस देश के किनारे रहता है उसी का अधिकार रहता है, उसमें से जो खनिज संसाधन मिलते हैं उस पर किसका अधिकार रहता है? उसी देश का अधिकार रहता है, इसलिए समुद्र से भी हमको प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि संविधान के अंतर्गत यानी कि जो यह खनिज संसाधन है, तो इसका तो हम लोग जान लिए कि कहाँ कहाँ पे खनिज निकलता है ना, तो ये जो खनिज निकलता है या जो खनिज पाए जाते हैं इस पे किसका अधिकार है? अब किसका अधिकार का मतलब हमारा आपका नहीं, किसका अधिकार का मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार का।
तो अगर हम बात करेंगे कि खनिजों पर किसका स्वामित्व रहता है, तो संविधान के अंतर्गत खनिजों पर राज्यों का स्वामित्व रहता है। किसका रहता है भाई? राज्यों का। मतलब जो खनिज होता है, खनिज का मालिक कौन होते हैं? तो राज्य होते हैं। जैसे अगर बिहार में जो है जमुई वगैरह में आपको सोना मिला है, तो उसका स्वामित्व किसके पास होगा? बिहार सरकार के पास होगा। क्लियर है? उसके बाद दूसरा पॉइंट है, केंद्र सरकार खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम 1957 के आधार पर अब तटीय क्षेत्रों में खनिजों का निगमन करती है। मतलब एक अधिनियम आया था कब? 1957 में। उस अधिनियम के अनुसार जो है केंद्र सरकार अपतटीय यानी कि जो तटीय प्रदेश के क्षेत्र जो होते हैं, वहां से जो खनिज का जो विनिमय एवं विकास का कार्य होता है वह कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। यानी कि अपतटीय क्षेत्र में जो खनिज का विनिमय एवं विकास का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो 1957 के अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो यह खनिज होते हैं इसको निकालने का कार्य, इसको निर्यात और आयात, इन सब चीजों का खनिज से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं उसको करने का कार्य कौन कौन सी संस्थाएं करती है। जैसे आपका अगर 12th का है, 10th का है, तो आपको पता है कि बोर्ड बना हुआ है ना। उसी तरह से यहाँ पे खनिजों से रिलेटेड कार्य करने के लिए भी बहुत सारी संस्थाएं का निर्माण हुआ है भारत में। अभी ना कि करना है खनिज, आज चले गए हम कहाँ, बिहार बोर्ड में जाकर बोल रहे हैं कि थोड़ा खनिज का डिटेल दीजिए ना हमको कि भाई बिहार में कितना खनिज पाया जाता है, तो देगा? आपको पागल घोषित कर देगा, है ना। खनिज अन्वेषण एवं विकास से संबंधित संस्थाएं, तो अगर हम संस्था की बात करेंगे तो भारत में जो है पहला आता है वो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, उसको शॉर्ट में GSI कहा जाता है, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण। क्लियर हुआ? सेकंड जो है वह है खनिज अन्वेषण लिमिटेड निगम, यानी कि खनिज अन्वेषण लिमिटेड निगम हो गया। उसके बाद तीसरा है भारतीय खान ब्यूरो, कहां पे स्थित है? नागपुर में स्थित है। अब इतना तो ये सब तो संस्थाएं हो गई थी। ये सब संस्थाएं जो है सरकारी संस्थाएं, यानी कि सरकार के द्वारा जो है निर्माण किया गया। अब इसके अलावे भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो खनिजों का देखभाल, खनिज का निकालना, है ना, खनिज का आयात निर्यात, इन सब की जिम्मेवारी उनके पास है। तो आइए उसको देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, जैसे मान के चलिए आपके पास जो है पैसा तो आता है घर से, एक लिमिटेड अमाउंट में जो है पैसा आता है आपके पास, लेकिन क्या है, और वो आता है किस लिए? रूम रेंट और खाने के लिए। लेकिन आपका कुछ और भी खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा रहता है कि नहीं रहता है, तो उसको आप मैनेज करते हो। तो उसी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है वह है ONGC, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। ठीक है? उसके बाद दूसरा है HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, है ना। उसके बाद तीसरा जो है वह आता है नालको। यह सब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। क्लियर है? उसके बाद यह तो खनिज की कम संस्थाएं हो गई। अब जो है आगे हम लोग देखेंगे कि किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है, समय समय पर नीति की जरूरत पड़ती है ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या है, समय समय पर रिवीजन की जरूरत पड़ती है, अपना स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत पड़ती है कि हाँ एग्जाम का टाइम आ गया, आप थोड़ा ज्यादा टाइम और देंगे, सीट ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। बिना नीति का आप भी, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी काम में हो, सफल नहीं हो सकता है। तो सरकार भी जो है समय समय पर खनिजों के लिए जो है किसका निर्माण करती है, तो नीति का निर्माण करती है, यानी कि समय समय पर जो है नीति का निर्माण करती है, नीति बनाती है। इस नीति को हम लोग देखते हैं। तो पहला जो नीति है इसमें वह है राष्ट्रीय खनिज नीति 1993, राष्ट्रीय खनिज नीति 1993। इसके द्वारा खनिज क्षेत्र में देशी एवं विदेशी निवेशों को खोला गया। मतलब जो खनिज वाले जो क्षेत्र है, यानी कि उसका उत्खनन करना, उसका निर्यात करना, उसका आयात करना, उसका विकास करना, इसमें क्या किया गया, तो सर्वदेशी एवं विदेशी निवेश को खोला गया। यानी कि मतलब अब इस देश से उस देश, या जो है
देश में ही जो है अलग अलग कंपनियां जो है वो आकर के इसमें अपना अपना जो है सहयोग दे सकती है, यानी कि खोजने में जो है सरकार की मदद कर सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है विदेश की कंपनियां सब भी आकर के यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक। उसके बाद दूसरा है राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति ये कब आया? 2016 में। कब आया? 2016 में। इसमें क्या किया गया भाई? तो निजी क्षेत्रों को और ज्यादा बढ़ावा दिया गया। यहाँ पे 1993 में जो है यहाँ पे तो बढ़ावा तो दिया गया है कि हाँ भाई सार्वजनिक क्षेत्र की यानी कि निजी कंपनी विदेशी कंपनी सब आकर के यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लेकिन 2016 में जो है इसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं रेलवे वगैरह का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, निजीकरण किया जा रहा है, और भी जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है उनका भी जो है मैक्सिमम का निजीकरण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अधीन लेगी, अपने कंट्रोल में लेगी, और उसका विकास जो है सर्वोत्तम तरीके से करेगी, एकदम बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्या किया गया राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति में? तो निजी क्षेत्रों को और बढ़ावा दिया गया। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें, 2016 में जो है हेल्प प्रारंभ किया गया। अभी हेल्प का है, हेल्प जो है मदद है, लेकिन यहाँ पे इसका फुल फॉर्म कुछ और होता है, ठीक है। हेल्प की अगर पूरा नाम बात करेंगे, पूरा नाम का बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज। क्या होता है भाई? खोज होता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये तो हेल्प हो गया। और यह जो हेल्प आया कब आया? 2016 में आया। तो इस यह हेल्प जो है नेल्प का स्थान लिया, मतलब 2016 के पहले हेल्प के जगह क्या था? तो नेल्प था। नेल्प बोले तो न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। क्लियर है इतना? तो हेल्प ने किसका जगह लिया? नेल्प का जगह ले लिया। उसके बाद चौथा जो है वह है इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस। ई का होता है, तो यह जो है खनिज से रिलेटेड पूरे भारत में जो है किस क्षेत्र में कौन सी खनिज की कितनी मात्रा होती है, कितना जो है उसका विकास हुआ, उसका ह्रास हुआ, है ना, कहाँ पे कौन सा खनिज पाया गया, ये सब खनिज से रिलेटेड जितना डाटा है, जितना भी डाटा है उसका जो है ईयरली बुक निकालती है, यानी कि उसका किताब बनाती है, उसका जो है डाटा का डिटेल सबको प्रोवाइड करवाती है, सभी के सामने रखती है। कौन? इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस। जैसे अगर हम बात करें बिहार बोर्ड का टेंथ का, तो उसके पास क्या है? अभी तक जितने भी बच्चे हैं जिसने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, कौन फर्स्ट डिवीजन से पास किया, कौन सेकंड डिवीजन से पास किया, है ना। अब बिहार सरकार तो आपको लगता है थर्ड डिवीजन खत्म कर देगा, कहीं कोनो फेले नहीं कर, थर्ड हो नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद यह हो गया यहाँ पे इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस, इंडियन मिनरल ईयर बुक। क्लियर है? यह जो है आपको वार्षिक बुक बना तैयार करता है जिसमें खनिजों का पूरा इतिहास उसमें स्थित रहता है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं भारत में लौह अयस्क का। तो जितने भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट थे इसको हमने यहां तक देखा। अगला जो हमारा हेडिंग है डालिएगा, भारत में लौह अयस्क, जो कि आज तो पूरा नहीं हो पाएगा लेकिन इसका थोड़ा सा परिचय हम अभी आपको दे देते हैं, और अगले वीडियो में जो है इसको हम लोग बहुत ही विधिवत तरीके से देखेंगे। अगर हम बात करते हैं लौह अयस्क का, तो सबसे पहले जानते हैं कि अयस्क किसको कहते हैं। तो अगर किसी चट्टान में किसी खनिज की मात्रा ज्यादा होगी तो वो उस तत्व का अयस्क कहा जाएगा। मतलब ये तो सिंपल अगर हम बात कहें कि अगर दही चूड़ा खा रहे हैं, दही की मात्रा ज्यादा है तो क्या हो गया? दही चूड़ा का है, और दही की मात्रा कम है तो चूड़ा दही का है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चट्टान में किसी खनिज की मात्रा यानी कि कोई भी खनिज है उसकी मात्रा क्या है, ज्यादा होगी तो उस तत्व का अयस्क हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई चट्टान है उसमें जो है लोहा की मात्रा अगर अधिक है तो क्या हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? लौह अयस्क, ठीक है।
तो इतना आप समझ गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अभी तक अगर आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।